हम आज डिस्कस करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन अ फ्लैश मैं आपको एक्टिविटीज के बारे में बता दूं, तीन एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आती हैं और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड। यहाँ लिखा हुआ है दे आर प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज एंड दोज एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आती है, परचेज, सेल, करेक्ट, चेंजेस इन इन्वेंटरी, करंट एसेट्स में चेंज, करंट लायबिलिटीज में चेंज, वो सारी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं जो हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में नहीं है। आज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स को खरीदना या बेचना वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, जैसे कि प्लांट मशीन खरीदना, प्लांट मशीन बेचना, लैंड खरीदना, लैंड बेचना, बिल्डिंग खरीदना, बिल्डिंग बेचना। बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन नहीं, बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट्स खरीदना, इन्वेस्टमेंट्स बेचना, राइट। इन्वेस्टमेंट्स पर इंटरेस्ट मिलना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है? ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या बोरोड लोन चेंज होता हो। दीज आर द एक्टिविटीज दैट रिजल्ट्स इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करना, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना, डिबेंचर्स रिडीम करना, डिबेंचर्स इशू करना, ये सारी एक्टिविटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, जो हम आज डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग का पूरा फोकस है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए मैं आपको बैलेंस शीट का थोड़ा आइडिया दे दूं। नॉन करंट एसेट्स, उसमें फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, उसमें इंटेंजिबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल। टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, व्हीकल्स। इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो इन से रिलेटेड एक्टिविटीज को हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहेंगे और आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो तीन ही एक्टिविटीज हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। पहला है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, तीसरा और आखिरी डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो ये तीन एक्टिविटी ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और ये 4 मार्क्स के सम्स में आता है बोर्ड में। प्लीज फोकस। साथ साथ करेंगे ड्रॉ द लाइन्स। एक स्टेटमेंट ड्रॉ करिए 5 to 6 लाइन्स की, राइट, और साथ साथ करते हैं। अब जैसे पहली पॉइंट है, हमें वो कह रहा है कि आप बनाइए कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड बातें आप नोट करिए। तो सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पैसा आएगा प्लस में लिखा। नेक्स्ट परचेज ऑफ लैंड, आप लैंड खरीदते हो, पैसा जाएगा, ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब पैसा जाएगा तो उसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ये एक रूल है। फिर परचेज ऑफ मशीन, पैसा गया, मशीन खरीदी, पैसा गया, ब्रैकेट में, ठीक है। फिर सेल ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर सेल किया है, फर्नीचर सेल करने पर पैसा मिलता है, तो सेल ऑफ फर्नीचर 45,000। नेक्स्ट डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, पैसा मिलेगा तो आप लिखोगे प्लस में, 40,000 आप लिखोगे प्लस में। देन यू हैव पेड फॉर गुडविल, पेड फॉर गुडविल। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, डेफिनेटली एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, पेड फॉर गुडविल। अब क्योंकि पैसे गए हैं इसीलिए उसे ब्रैकेट में लिखा गया है। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और बोरोड लोन। तो मैं आपको याद दिला दूं ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं। मैंने आपको आज भी ग्लिम्स दिया था कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो ओनर्स कैपिटल और बोरोइंग से रिलेटेड होती हैं, जैसे इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर्स, बोरोड लोन। तो ये सारी एक्टिविटीज हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो इसमें हमें इशू ऑफ इक्विटी शेयर सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है डैश। फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है डैश। फिर लोन बोरोड, ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और अमाउंट में डैश, बस ये आपको स्टेट करना है। और डैश ना लगा के अगर आप नोट्स में भी बताते हैं
तो भी वैलिड है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मैं नोट्स में बताऊंगा, तो आपकी चॉइस है। एंड अगर आप इनका टोटल करेंगे 88,000 माइनस दिस प्लस प्लस माइनस, एंड यू विल गेट 1,05,000 नेगेटिव। तो ये हमारा 4 मार्क्स का सम है। साथ साथ करेंगे, 5 सम्स हैं, हम आज कर लेंगे एक साथ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज खत्म करेंगे। नेक्स्ट इज 19th सम। अब क्या फर्क है पहले तो पिछले सम और इस सम में? तो भाई इस सम में सीधा डिटेल दे रखी है और 19th सम में हमें 2 ईयर्स की डिटेल दे रखी है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, तो अब हम रिलेट करेंगे। जैसे पहली एक्टिविटी है, कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी, तो हमें समझना है कि 7,20,000 साल के शुरुआत में है, साल के एंड में 9,20,000 है, तो प्लांट एंड मशीनरी बढ़ कैसे गया? तो भाई खरीदा होगा। हम स्टेटमेंट बनाएंगे 5 से 6 लाइन की और हेडिंग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सिंगल कॉलम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब आपने मशीन परचेज की है, मशीन जब आप परचेज करते हो तो पैसे जाते हैं, राइट? जैसे मैंने बताया 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, तो आप लिखोगे 2 लाख रुपीज नेगेटिव। नेक्स्ट एक्टिविटी, अब नेक्स्ट एक्टिविटी डेप्रिसिएशन फंड है, तो साल के शुरुआत में डेप्रिसिएशन 120 था, साल के एंड में डेप्रिसिएशन 150 है, तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 30,000 है। तो हमें समझना है डेप्रिसिएशन एक रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैटेगराइज होती है, तो नोट्स में आएगा, स्टेटमेंट में नहीं आएगा। और स्टेटमेंट में लिखते हैं तो अमाउंट में डैश लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट इज गुडविल। साल के शुरुआत में गुडविल है 95,000, साल के एंड में गुडविल है 90,000, तो गुडविल राइट ऑफ हो गई। याद दिला दूं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आता है, तो ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो नोट्स में आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पेटेंट्स, साल के शुरुआत में 130, साल के एंड में 70,000। अब ये राइट ऑफ भी हो सकते हैं, सेल भी हो सकते हैं। अगर हम सम के इस पार्ट पे ध्यान दें तो लिखा हुआ है पेटेंट्स सेल हुए हैं, पेटेंट्स सेल हुए हैं, तो 60,000 के पेटेंट सेल हुए हैं, तो इसीलिए वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सेल करने पर पैसा मिलेगा, इसीलिए हमने उसको पॉजिटिव रखा है। इन्वेस्टमेंट्स, अब साल के शुरुआत में इन्वेस्टमेंट्स थी 270 की, साल के एंड में इन्वेस्टमेंट हो गई 95,000 की, तो इन्वेस्टमेंट आपने बेची है, इन्वेस्टमेंट बेची है, तो कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बेची है तो पैसा मिलेगा, मिलेगा तो आपने प्लस में लिखा है। जनरल रिजर्व, साल के शुरुआत में 30, साल के एंड में 45, ट्रांसफर हुआ है, तो ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो आप नोट्स में लिखोगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो आप इसको नोट्स में लिखोगे चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नोट्स में लिखने के मार्क्स हैं हाफ ऑफ मार्क। इक्विटी कैपिटल, आपने शेयर्स इशू किए हैं, पर भाई शेयर्स इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, नोट्स में डाल दोगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। देन बैंक लोन, साल के शुरुआत में 1.5 लाख, साल के एंड में 1 लाख, लोन रीपे हुआ है, तो भाई लोन रीपे होना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो अपने नोट्स में डाल दिया। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी, साल के शुरुआत में इतना, साल के एंड में इतना, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट से रिलेटेड एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, तो आप बस लिखोगे चेंजेस इन करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 18,000। अब ये एक डेफिनेटली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, पैसा मिला है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टेटमेंट में। अब आप 18,000 प्लस 1,75,000 प्लस 60 माइनस 2 लाख करोगे तो आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा 53,000। दैट इजी इट इज। नोट्स बनाओ और स्टेटमेंट बनाओ, करेक्ट? 4 मार्क्स का सम, विच इज वेरी इजी। बस ये 2 ही सम्स हैं। अब बाकी इलस्ट्रेशन हैं, वो भी हम लोग आज कर रहे हैं। अब इलस्ट्रेशन 11, आप बिलीव नहीं करोगे ये बोर्ड में आ चुका है 4 मार्क्स में, और इसमें स्टेटमेंट बनेगी सिर्फ 2 लाइन की और एक अकाउंट बनेगा। अगर अपन ध्यान से देखें तो हमारे पास मशीनरी की डिटेल है, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, डिप्रिसिएशन है, हमने कितने की मशीन सेल की है 25 की, कितने में सेल की है 15,000 में।
तो सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ मशीनरी लिख देता हूं 15,000। अब मैं एक छोटा सा मशीनरी अकाउंट, 5 लाइंस का मशीनरी अकाउंट बनाता हूं जो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 4,50,000, तो वो मैंने लिख दिया 4,50,000 टू बैलेंस BD। अब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है क्योंकि एसेट है, अग्रीड। अब नेक्स्ट मुझे दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आता है, राइट, बाय बैलेंस CD। फिर हमें दे रखा है कि इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है, तो डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आता है, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है, बाय डेप्रिसिएशन 50,000। आपने एक मशीन बेची है, राइट, 15,000 में बेची है, ओके। जब आप मशीन बेचते हो तो आप मशीन अकाउंट में बाय साइड लिखते हो क्योंकि कैश बुक में टू साइड आता है, बाय कैश 15,000, ठीक है। अब मशीन थी कितने की, मशीन थी 25,000 की, बेची कितने में, 15,000। फायदा हुआ नुकसान हुआ, नुकसान करेक्ट 10,000 का नुकसान। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा, मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। अब मशीनरी अकाउंट का टोटल करिए, 50,000 प्लस 15,000 प्लस 10 प्लस 4 लाख, 4,75,000 गोज दिस साइड डिफरेंस। आपने मशीन अक्वायर की है 25,000 की, करेक्ट। अब मशीन परचेस करना कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड दैट्स इट। यू गेट 4 मार्क्स फॉर दीज टू एंट्रीज एंड 1 अकाउंट, इट्स अ बोनस, इट्स अ बोनस, करेक्ट। सो डोंट स्किप दिस सम, ये बोर्ड में आ चुका है, आप बिलीव नहीं करोगे, आप पास्ट ईयर के पेपर्स देख सकते हो। इलस्ट्रेशन 12, अगेन 2 to 3 लाइंस का स्टेटमेंट, पिछले समय मशीनरी था, इस समय फर्नीचर है। अगर आप खुद भी सॉल्व करेंगे ना तो आप कंफर्टेबली इसको सॉल्व कर सकते हो, मुझे यकीन है आप पर, अगर आपने वो सम साथ साथ किया है तो, राइट। और सिर्फ देखा है तो मेहरबानी करके पॉज करके पहले पिछला वाला सम करो, फिर ये सम आप खुद भी कर सकते हो, मैं तो आपको वीडियो दिखा ही रहा हूं। 2-3 लाइन की स्टेटमेंट बना दी सेम कॉन्सेप्ट पर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू ऑफ सेल ऑफ फर्नीचर, है ना, 3,20,000 की 4 लाख में बेचा है, बस इस बार प्रॉफिट पे बेचा है, कुछ चेंज नहीं है। सबसे पहले फर्नीचर बेचा है, सेल ऑफ फर्नीचर, तो भाई मैं सेल ऑफ फर्नीचर लिख देता हूँ, 4 लाख रुपीज पैसा मिला। अब मैं एक छोटा सा फर्नीचर अकाउंट बनाता हूँ जैसे मशीनरी अकाउंट बनाया था, तो 2 बैलेंस BD लिखा, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है फर्नीचर का 12 लैक्स, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 18 लैक्स, एग्जैक्ट रेप्लिका, सिर्फ नाम चेंज किया है, मशीनरी की जगह फर्नीचर, और ये बोर्ड में आते हैं ऐसे सम्स, करेक्ट। ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया, करंट ईयर का डिप्रिशिएशन, करंट ईयर का डिप्रिशिएशन है 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज का करंट ईयर का डिप्रिशिएशन है, बाय डिप्रिशिएशन 2 लाख रुपीज। अब आपने फर्नीचर बेचा है, कैश बुक में डेबिट साइड, फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय कैश 4 लाख। अब आपने इस बार सिर्फ प्रॉफिट पे बेचा है, पिछले समय लॉस पे बेचा था। अगर 3,20,000 की चीज हम 4 लाख में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है 80,000 का। प्रॉफिट्स P&L में क्रेडिट होते हैं, रिस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट होते हैं, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 80,000। अब आप टोटल करेंगे, करेक्ट, आएगा 24 लाख, इधर जाएगा डिफरेंस आएगा, वो आपने फर्नीचर खरीदा 11,20,000 का, दैट्स इट। आपने यहां लिख दिया परचेज ऑफ फर्नीचर 11,20,000, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 4 लाख माइनस 11,20,000 करोगे तो 7,20,000 नेगेटिव, ट्रस्ट मी 4 मार्क्स सम, यू कैन रेफर योर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द मार्बल और गाला, ऐसे सम्स आते हैं। अब लास्ट सम ऑफ द चैप्टर जिसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म, स्टेटमेंट ड्रॉ करिए, साथ साथ करते हैं 5 लाइंस के स्टेटमेंट। आप सम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन्वेस्टमेंट्स है, मशीन्स है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, पेटेंट है, गुडविल है। अब पहले पहले एक एक एसेट को निपटाते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट्स पर थर्ड एडजस्टमेंट है,
कि इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 3 लाख। तो भाई सबसे पहले तो इसको पकड़ो, 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बेची है। इन्वेस्टमेंट बेचना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, 3 लाख रुपए प्लस। अब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स का ये है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है 4 लाख, कितना है 4 लाख। फिर क्लोजिंग बैलेंस, अब क्लोजिंग बैलेंस कितना है 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख, आपने लिखा बाय बैलेंस सीडी 6 लाख, ठीक है। अब आपने इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं, इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं, कितने की इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं, 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं 3 लाख में, आपने इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं तो बाय बैंक 3 लाख। अब बेचने पर या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा, तो लॉजिकली साल की शुरुआत में आपके पास 4 लाख की इन्वेस्टमेंट्स थी, 4 लाख का 40% निकालिए, कैलकुलेशन करिए, 4 लाख इंटू 40%, 4 लाख इंटू 40% तो 1,60,000 उसकी चीज बेची है 3 लाख में। फायदा हुआ नुकसान हुआ, फायदा हुआ 1,40,000 का, फायदा हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट्स में डेबिट साइड, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,40,000। रिपीट करता हूं, 1,40,000 कैसे आया, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट्स है, 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट बेची जो बिगनिंग में थी, तो 1,60,000 आया। 1,60,000 की चीज आप 3 लाख में बेच रहे हो, 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। टोटल करो 9 लाख, गोज दिस साइड 9 लाख, डिफरेंस इज इन्वेस्टमेंट्स परचेस्ड 3,60,000। अब इन्वेस्टमेंट्स परचेस करना परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब आते हैं नेक्स्ट एसेट पर, मशीनरी पर। अब मशीनरी पर एक एडजस्टमेंट है कि डिप्रिसिएशन किया है 20%, तो मशीनरी का एक छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं 3-4 लाइन का, उसमें हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2 लाख रुपीस, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 4 लाख रुपीस। तो हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, हमने क्लोजिंग बैलेंस लिखा, हमने डिप्रिसिएशन की एंट्री पास कर दी, डिप्रिसिएशन कह रहा है 20% ऑन मशीन्स, तो 2 लाख का 20%, 2 लाख का 20% ओपनिंग बैलेंस पे निकालेंगे, बाय डिप्रिसिएशन 40,000। अब सेल वेल तो नहीं की है, टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस, आपने मशीन अक्वायर की है 2,40,000 की, मशीन खरीदना कौन सी एक्टिविटी है, तो भाई वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि खरीदी है इसलिए ब्रैकेट में डाला है। नेक्स्ट इज फर्नीचर। अब ये सम सबसे टफ सम है और सबसे बड़ा सम है, और ये बोर्ड में आने के चांसेस बहुत कम है, पर सिर्फ एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को लेकर आपको सम बनाया जा सकता है, ये एक सम हो गया 4 मार्क का, समझे। मशीन और फर्नीचर वाले सम्स तो आपने किए हुए हैं, टोटालिटी में ये सम कभी नहीं आएगा बोर्ड में, बी एश्योर्ड, ये सिर्फ अपन नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। और अलग अलग छोटे छोटे सम्स आ सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ये पॉइंट डाल दी और 3 मार्क का सम बना दिया, और अगर अपन ने इतना सम कर दिया ये पार्ट, तो ऐसा बोर्ड में आ सकता है इस बार, ठीक है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरा सम ये बोर्ड में नहीं आएगा, बी एश्योर्ड, पर नॉलेज के लिए अपन पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पे चेंज ही नहीं है, करेक्ट, ना ही डेप्रिसिएशन है, छोड़ दो। फर्नीचर, अब फर्नीचर का अकाउंट बना दिया, छोटा सा फर्नीचर का अकाउंट बना दिया, ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, बाय डेप्रिसिएशन लिखा। अब डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज है, डेप्रिसिएशन है 10%, 80,000 ओपनिंग बैलेंस पे निकाला 10%, ठीक है। टोटल किया, इधर गया डिफरेंस टू बैंक 28,000। फर्नीचर अक्वायर किया, कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, परचेज ऑफ फर्नीचर 28,000। कमिंग टू द नेक्स्ट, पेटेंट्स, साल के शुरुआत में 1 लाख, साल के एंड में 80,000, रिड्यूस हो गए पेटेंट्स,
सब आपने पेटेंट्स राइट ऑफ किए हैं। पेटेंट्स राइट ऑफ करना कौन सी एक्टिविटी है? करेक्ट, ये है एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आप नोट्स में डाल दोगे पेटेंट्स राइट ऑफ करना एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। गुडविल 90,000 का 60,000 हो गया, राइट ऑफ हो गई, गुडविल राइट ऑफ हो गई। अब गुडविल राइट ऑफ करना कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, करेक्ट, सो यू विल राइट इट इन ऑपरेटिंग। गुडविल राइट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट्स। नाउ इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज डेफिनेटली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000। अब आप अगर टोटल करेंगे तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा 2,68,000 नेगेटिव। प्लीज डू ऑल दीज सम्स।